एवरीवन, वेलकम टू द जीनियस चैनल। आई एम नेहा और आज हमारे पास पेपर है द हिंदू, और द हिंदू से हमने एडिटोरियल लिया है जिसका टॉपिक है श्योर पावर। इंडिया सोलर स्ट्रेटजी शुड लुक एट टैपिंग द बेस्ट ग्लोबली टू मेक लोकली। नाउ इस आर्टिकल में ऑथर के द्वारा श्योर पावर की बात कही गई है। श्योर पावर से उन्होंने सोलर एनर्जी को रिलेट किया है, दैट इज फिक्स्ड पावर। और इंडिया को अपनी सोलर स्ट्रेटजी को इस तरह से टैप करना पड़ेगा, इस तरह से प्लान करना पड़ेगा ताकि वो ग्लोबल लेवल पे बेस्ट हो और उसमें डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करने की बात कही गई है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड रिजॉल्व टू टैप द एनर्जी ऑफ द सन टू सब्सटैंशियली पावर द इकोनॉमी एंड एवरीडे लाइफ इज टू बी वेलकम्ड। नाउ इस आर्टिकल को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करने की बात कही गई है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो रिजॉल्व मीन्स जो संकल्प लिया गया है सोलर एनर्जी को टैप करने का, ताकि वो सब्सटैंशियल पावर की तरह इकोनॉमी को बूस्ट करे और एवरीडे लाइफ जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको इम्प्रूव करे। रोजमर्रा की जिंदगी तभी इम्प्रूव होगी जब हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी और हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें सोलर एनर्जी को बूस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और इसका स्वागत किया गया है, इस संकल्प का स्वागत किया गया है। बिकॉज ऑफ इट कुड हेल्प चार्ट अ ग्रीन डील फॉर फ्यूचर। एक्चुअली इसमें ये बात कही गई, सोलर एनर्जी की बात कही गई है। और सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड दैट इज ग्रीन डील। इसमें ग्रीन डील की बात कही गई है। ग्रीन डील मीन्स ये नॉन पोल्यूटिंग है और इको फ्रेंडली है। सो हमें इसे अडॉप्ट करने से इसके क्या क्या एडवांटेज हैं उसकी बात कही गई है। ही रीस्टेटेड द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर फॉर एनर्जी एंड एज अ पाथ फॉर सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द इनॉग्रेशन ऑफ 750 मेगावाट फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट एट रीवा इन मध्य प्रदेश लास्ट वीक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को और बल दिया है, जिसमें इन्होंने ये बात कही है कि अगर हमें इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर बनाना होगा, इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें एनर्जी को बूस्ट करना होगा, एनर्जी जो सेक्टर है उसको बूस्ट करना होगा। और उसके लिए हमें टोटली किस पर रिलायंट होना पड़ेगा, ग्रेटर रिलायंस ऑन सोलर पावर, उस पर हमें टोटली सोलर पावर पे निर्भर होना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने कब कही, ये बात उन्होंने कही लास्ट वीक रेवा में, जब वो 750 मेगावाट फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही। तो ये जो पॉइंट है 750 मेगावाट फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि वेयर इट इज लोकेटेड, ये कहाँ स्थित है। तो ये रेवा में है, रेवा एक मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पे ये इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। But as he would recognize the idea of building a domestic solar manufacturing industry that delivers increasing volume of quality photovoltaic cells, modules and associated equipment is long in the tooth. Actually, author ने ये बताने की कोशिश की है कि ये option जो है, ये हमने जो idea लिया है कि solar energy को boost करना चाहिए, उसके वो सोलर सेक्टर को बूस्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। बट इसमें जो जिन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे हाई वॉल्यूम ऑफ क्वालिटी ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स है एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स है, ये इन सब चीजों की पूर्ति में हमें बहुत लंबा समय लगेगा। ये 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 तुरंत नहीं होने वाला है, इसमें काफी टाइम लगेगा। मीन्स जो टारगेट को हमने जिस टारगेट को बनाया है उस टारगेट को अचीव करने में हमें समय लग सकता है। India's installed base of this green power source is about 35 gigawatt and its projected addition of capacity until 2024 in COVID-19 affected future is estimated by industries to be of the order of 50 gigawatt. अब इसमें जो इंडिया के पास जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड बेस है, जो ग्रीन पावर सोर्स है, वो 35 gigawatt तक हमने अभी प्रोड्यूस उसको किया है। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 की वजह से इसमें हमने पावर है जो हमें प्रोड्यूस करना था, वो ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि कोविड 19 की वजह से ये 50 गीगावाट ही 2024 तक हो पाएगा।
viewed against the goals set 5 years ago for the Paris Agreement on climate of installing 100 gigawatt of solar power by 2022. बट पेरिस एग्रीमेंट की बात कही गई है. पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच में, और इसमें ये बात कही गई थी कि 2022 तक हम 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करेंगे. बट अभी 2020 ऑलरेडी आ चुका है, 2020 ऑलरेडी आ चुका है, और अब तक हमने 35 गीगावाट ही पावर प्रोड्यूस किया है, और उसमें 50 गीगावाट एडिशन 2024 तक हो सकता है. तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें आप एक मैसिव डेफिसिट देखेंगे, एक शार्प डिक्लाइन देखेंगे, कि जो हमने प्रोजेक्ट किया था, जो टारगेट हमने बनाया था, जो हमने सोचा था, वैसा नहीं हो पाया. और इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है, और जिसमें एक बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो COVID-19 की है. कंबाइंड विथ लो डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एट 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर, और जो हमारी जो लो डोमेस्टिक जो हमारी डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3.1 गीगावाट लास्ट ईयर है, एंड हैवी रिलायंस ऑन चाइना. High ambition must now be supported by aggressive official policy. इसमें एक बात मैं mention करना चाहूंगी कि solar energy से related जितनी भी चीजें हैं, और जितने भी raw material और जितने भी उसके equipments, उसके लिए हम China जैसी country पे निर्भर dependent हैं, और उसमें पाकिस्तान की का भी नाम आता है, China and Pakistan both, उस पर हम dependent हैं. और ये जो हमारा production है वो बहुत कम था, that was 3.1 गीगावाट जो लास्ट ईयर ऐसा एस्टिमेट किया गया था. और इसके कारण जब हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं अपने रिसोर्सेज के लिए, और हमारा एम्बिशन बहुत हाई है, इसको अचीव करने में टाइम लग सकता है, और ये ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता. ये पॉसिबल तब हो सकता है जब हमारा गवर्नमेंट एक एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो करे, एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसीज को फॉलो करे, जिसमें गवर्नमेंट टोटली सपोर्ट करे एनर्जी, सोलर एनर्जी सेक्टर को. ये बहुत जरूरी चीज है. चाइना स्टोरी इज वन ऑफ अ स्टीडी राइज फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन द 1990s तक ऐसा देखा गया था कि चाइना के सोलर सेक्टर में कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट राइज नहीं देखा गया था. बट 1990s के बाद क्या हुआ कि वहां के गवर्नमेंट ने to virtual dominance through active government support in identifying and acquiring top technologies globally, importing critical raw materials such as polysilicon, acquiring solar manufacturers abroad, and investigating in third country with ready capability. इसमें ये बात कही गई है कि चाइना में 1990s तक तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट राइज नहीं देखा गया था. बट 1990 के बाद क्या हुआ कि चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना को बहुत हद तक सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने में उसने क्या क्या किया, जैसे रॉ मटेरियल्स में पॉलीसिलिकॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिसमें सिलिकॉन है जो एक सेमी कंडक्टर की तरह काम करता है कंडक्शन के लिए, तो वो यूज किया जाना था, उसको लार्ज अमाउंट में वो इम्पोर्ट करने लगा, और जो हाई लेवल टॉप जो टेक्नोलॉजीज थी उसको इम्पोर्ट करने लगा अब्रॉड से. और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे टेक्नीशियन और ऐसे बहुत तरह के जो सपोर्ट सिस्टम थे उसको चाइना ने इम्पोर्ट करने की कोशिश की, और इस तरह से उसने क्या किया कि सोलर पावर के सेक्टर में बहुत ही ज्यादा उसने ग्रोथ अचीव किया. और ग्रोथ अचीव करने के बाद उसने क्या किया कि सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट को उसने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया. जितने भी प्रोडक्शन हुए सोलर सेक्टर में उसको पहले डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट बना के डोमेस्टिक मार्केट में उसका फ्लो किया, और इसके साथ साथ उसने एक्सपोर्ट को पहले बाद में इम्पोर्टेंस दिया, पहले डोमेस्टिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया. ये काफी अच्छी चीज चाइना ने की अपने इकोनॉमी को और अपने सोलर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए. द पैंडेमिक प्रेजेंट्स अ क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू प्लान अ ग्रीन डील ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट द यूरोपियन यूनियन हैज कमिटेड इटसेल्फ. जब कोई आपदा आती है तो उसके साथ हमें बहुत सारे मौके लेके आती है, लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आती है. हमने ये सुना भी है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है. जब 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 हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब हम उसके लिए रिसर्च करते हैं, उसके लिए फाइट करते हैं, और हम नई चीजें डेवलप करते हैं. तो उसमें एक ऐसी बात कही गई है कि इस जब ऐसी पैंडेमिक आई है
तो इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हुए हमें एक हमें सोलर सेक्टर जैसे सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड दैट फ्यूचर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट शुड अलाइन इटसेल्फ टू एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स. और उसमें ये भी बात कही गई है कि जब हम ऐसे पैंडेमिक को फेस करते हैं जो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, जो जो हमें डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुद को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अलाइन करते हुए, हमें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चलते चलने के साथ साथ हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहिए, हमारे जो एम है उसको पूरा करना चाहिए, पर्टिकुलरली इन एनर्जी प्रोडक्शन away from dirty fuels such as coal. और खास करके हमें एनर्जी प्रोडक्शन में ज्यादा फोकस करना चाहिए, और हमें जैसे फ्यूल्स, कोल जैसे जो डर्टी फ्यूल है उनके बारे में हमें उसे हमें कट शॉर्ट करना चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है. देयर इज नो बेटर टाइम दैट नाउ टू मेक सोलर एनर्जी एज स्ट्रेटेजिक सेक्टर, गिविंग इट एज मच एज इम्पोर्टेंस एज डिफेंस. इसमें ये बात कही गई है कि अब इससे कोई बेहतर समय नहीं आएगा जब हमें सोलर एनर्जी के बारे में इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत आएगी. सो दिस इज द राइट टाइम, ये एक सही समय है जिसमें हम सोलर एनर्जी सेक्टर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें और उसका जो इम्पोर्टेंस हो वो डिफेंस के लेवल के बराबर हो. एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच अट्रैक्टेड अबाउट 120 नेशंस at its launch, India needs to show leadership to advance the manufacture and absorption of solar photovoltaic infrastructure in low and middle income countries. International Solar Alliance kiya gaya tha 2015 mein hi aur ye kiya gaya tha Paris Agreement ke through jo India aur France ke beech mein kiya gaya tha. और इसमें 120 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था. और इसमें ये बात कही गई थी कि इंडिया को इस सेक्टर में एक लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है, और एक ऐसा एग्जांपल सेट करने की जरूरत है जिससे बाकी जो लो इनकम जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो भी इससे कुछ सीख सके और उनको भी एब्जॉर्प्शन का फायदा मिले. द की रिक्वायरमेंट्स आर इंटीग्रेटेड पॉलिसी फुल्ली सपोर्टेड बाई स्टेट्स. अब इसमें ऑथर के द्वारा ये बात कही गई है कि अब इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की जरूरत है. तो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जो इंटीग्रेटेड पॉलिसीज है, जो इसके अंतर्गत जो भी प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, उसको फुल्ली सपोर्ट मिलना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्टॉप. इंडस्ट्रीज मस्ट गेट हेल्प टू सेट अप फैसिलिटीज एंड अवेल लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, बोथ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन चाइनाज राइस. अब चाइना के राइस में जैसा कि हमने देखा कि चाइना के राइस में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें थी. एक थी कि फैसिलिटीज को सेटअप करना, और फैसिलिटीज को कौन सेटअप करेगा, गवर्नमेंट सेटअप करेगी. एंड अवेल लो कॉस्ट फाइनेंसिंग. लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का मतलब है कम इंटरेस्ट पे लोन देना. लोन जो हो, जो लो इंटरेस्ट लोन हो वो फाइनेंस करे गवर्नमेंट. मीन्स जो लिक्विडिटी का फ्लो है, जो फाइनेंस का फ्लो है वो गवर्नमेंट इजीली अवेल करे इंडस्ट्रीज को जो एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे. मीन्स ये दोनों सेक्टर में, एक तो फैसिलिटी को सेटअप करने में और दूसरा लोन सैंक्शन, लो इंटरेस्ट लोन को सैंक्शन करने में गवर्नमेंट सपोर्ट करे जैसा चाइना में किया गया. एंड बी एबल टू इन्वेस्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. A forward-looking program should also look as emerging trends in deploying solar innovatively. और इसमें हमें देखना चाहिए कि सोलर जो प्लान, सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो प्लान है उसको हम कैसे इनोवेटिवली, मीन्स कैसे एक इनोवेटिव तरीके से हम उसको इंक्लूड करें, लाइक कैसे उसको हम एडॉप्ट करें उसमें. तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको पता होगा कि यूएस में जो यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग है उसके रूफ टॉप को महात्मा गांधी सोलर पैनल, सोलर एनर्जी का नाम दिया गया, और उसके उन्होंने रूफ को फोटोवोल्टाइक सेल से बनाया है और उसका नाम दिया गया है महात्मा गांधी सोलर प्लान. एंड दिस इंक्लूड्स न्यूअर टेक्नोलॉजी सच एज एस्थेटिक फोटोवोल्टाइक विंडो. यहाँ पे एस्थेटिक का मतलब है दिखने में जो खूबसूरत हो, जो सुंदर हो, ऐसे फोटोवोल्टाइक विंडो का यूज करना. एंड रूफ टाइल्स फॉर बिल्डिंग्स
बिल्डिंग्स के रूफ टाइल्स को हम फोटोवोल्टाइक सेल से कवर कर सकते हैं, मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर्स एंड ग्रेटर यूज ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग टू डिप्लॉय मोर पैनल्स। और हम ऐसा इनकरेज करें कि रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो बहुत सारे सोलर पैनल्स को डिप्लॉय करे, वो सोलर पैनल्स का यूज करे मैक्सिमम जितना वो कर सकते हैं। ऐसा हमें ऐसी पॉलिसी हमें लानी होगी, इस तरीके से हमें इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। रैपिड प्रोग्रेस रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टू एड कॉम्पिटेटिव एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। और इन सब चीजों को करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, एक तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो कैसी प्लानिंग होगी? वो प्लानिंग होगी रैपिड प्रोग्रेसिव, मींस एक रैपिड एक फास्ट तरीके की प्रोग्रेसिव प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। तो जब ओवरऑल हम इस आर्टिकल को देखते हैं तो ये काफी पॉजिटिव आर्टिकल लिखा गया है ऑथर के द्वारा। और इस आर्टिकल में आर्टिकल जो ऑथर है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, और इस आर्टिकल में हमें जो हमारी जो प्लानिंग है उसके बारे में बताया गया है कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी है बट उसको अचीव करने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जैसे चाइना ने किया। और स्ट्रैटेजी फॉलो करने के साथ साथ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से सपोर्ट करना पड़ेगा इसको कंप्लीट टारगेट अचीव करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।